जब मुझे अकेलापन महसूस होता है, मैं निकल जाना चाहता हूँ कहीं दूर। देखना चाहता हूँ ये वातावरण को, महसूस करना चाहता हूँ। जाके देखता हूँ, बहुत सारे चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। पता नहीं आजकल क्या हो गया मुझे, नेचर को ऑब्जर्व करने में मज़ा आने लगा है। गाइस, मेरा पीछे है मानस नेशनल पार्क का जो मेन गेट, वो गेट ये। तो गाइस, अभी मैं मानस नेशनल पार्क के अंदर नहीं, बाहर हूँ। जो बाउंड्री है मानस नेशनल पार्क, उसके अंदर नहीं, मैं बाहर हूँ। मैं बताता हूँ एक्चुअली में हुआ क्या है और मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। बात कुछ ऐसा है, मतलब कि मैं सोचा था कि भूटान बॉर्डर पे जाऊँगा, तो मैं वीडियो पूरा शूट करते करते आया कि मैं हर जगह पर ऐसा बताया कि मैं भूटान बॉर्डर पर जा रहा हूँ और वहाँ पर जाके मज़ा आएगा, तो वहाँ पे जाके ये करेंगे वो करेंगे, उनके साथ बातें करेंगे और भूटान पे एंट्री होने के लिए क्या क्या चाहिए ये सब जानकारी आपको देंगे। तो भूटान बॉर्डर तक पहुँचने के लिए आपको जाना पड़ेगा मानस के थ्रू, और मानस तक आप आ सकते हो उस मेन गेट तक, और उसके अंदर आप नहीं जा सकते। अभी बंद है, अक्टूबर में खुलेगा। मैं उनके जो वहाँ पे जो लोग थे, वो जो पुलिस लोग थे मतलब गेट में, उन लोगों से मैंने बात किया। वो लोग बता रहा था कि ये फॉरेस्ट के अंदर आप नहीं जा सकते, आप जा सकते हो, ये अक्टूबर में खुलने का चांस है, तो तब आप जा सकते हो, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैं अभी नहीं जा सकता भूटान बॉर्डर तक। तो गाइस, मैं भूटान बॉर्डर तक तो अभी नहीं जा सकता, मतलब कि मानस के थ्रू मैं भूटान बॉर्डर तक नहीं जा सकता, पर ये जो मानस का जो नज़रिया है ये आपको ज़रूर दिखा सकता हूँ। और यहाँ का जो मॉल है पूरा, जो बाट्स का आवाज सी कर रहा है बाट्स चारों ओर, और मतलब कि इतना मज़ेदार, इतना व्यू, इतना सुंदर सा व्यू है, दिल को थोड़ा सुकून मिल गया यहाँ पे आकर, थोड़ा मज़ा आ गया। ये कितना सुंदर सा, कैसा है, कितना सुंदर सा जो ये वातावरण, ये बहुत ही मज़ेदार है। ये सब टी प्लांट है, ये सब टी प्लांट है। ये जो प्लांट आपको दिख रहा है ये सब कुछ टी प्लांट है। तो गाइस, ये जो टी प्लांट है चारों ओर, इस टी प्लांट, ये टी गार्डन के ओर चारों ओर, ये इस रास्ते से जाएंगे, थोड़ा ये इस तरफ होके थोड़ा घूम के आएंगे। Thank you.
ये रहा गेट, और गेट के जस्ट अंदर थोड़ा मतलब कि थोड़ा 100 मीटर अंदर आया हुई गेट से, अंदर जाने का परमिशन अभी नहीं है, अक्टूबर में खुलेगा ये बता रहा था पे। यहाँ पे थोड़ा ये कलाकारी इन्होंने किया है, ये जो बनाया है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो, ठीक है। ये पेड़ के ऊपर एक नाव जैसा, उसके ऊपर बोर्ड, ये भी हाँ ये सीमेंट का है, पूरा का पूरा सीमेंट का है ये पेड़, इतना बढ़िया करके पेड़ बनाया था, पेड़ के ऊपर वैसा बोर्ड। और यहाँ पे भी एक छोटा सा घर बना के यहाँ पे एयर इंडिया एक बोर्ड लगा के रखा है इन्होंने। और इससे आगे थोड़ा वहाँ रेस्ट लेने का जगह बनाया है उन्होंने, वहाँ पे चलते हैं, यो वाला वहाँ पे। तो गाइस जल्दी जल्दी खुल जाए तब जाके अंदर जाके थोड़ा देखना पड़ेगा। मैं भी अभी तक मानस जो नेशनल पार्क है इस पार्क का अंदर नहीं गया, मुझे भी जाने का बहुत मन है। अगर आज मैं सोचा था कि अंदर जाने का वो सब करके रखा है, पर आए के देखा अभी भी उन्होंने कुछ नहीं किया, अंदर अभी तक नहीं जा सकते। तो ये यहाँ पे थोड़ा गेट से थोड़ा अंदर आने से एक मिल जाता है एक सीढ़ी, और इसके ऊपर थोड़ा बैठने के लिए इन्होंने बनाए हैं। वाह मजा आ गया, याओ यहाँ से भी थोड़ा मजेदार नजरिया देखने को मिलता है, और इस साइड से भी। अभी मैं वो जो सामने थोड़ा लोग जा रहे हैं वो रोड से मैं आ रहा था आके, इस साइड में है वो, हब पे है मेन गेट, और मेन गेट से सीधा यहाँ पे आया हूँ। ये शायद मुझे थोड़ा दिख जाए अच्छे से, वाओ ये भी कलाकारी। अभी नेशनल पार्क के अंदर थोड़ा सा अंदर 100 मीटर अंदर आके यहाँ पे थोड़ा बैठा था, यहाँ पे थोड़ा फोटो वोटो लिया, और यहाँ से अभी मैं बाहर चलता हूँ। बाहर जाके वो आगे एक नदी है, उस नदी पे जाकर देखते हैं वहाँ का नज़रिया कैसा है। तो यहाँ से अभी मैं चलता हूँ बाहर। ये है मानस नेशनल पार्क का गेट, मेन गेट। तो गाइस ये है मानस नेशनल पार्क का जो गेट है, गेट, और गेट के अंदर से मैं अभी जस्ट बाहर आया हूँ। इस साइड पे नदी है, तो थोड़े दूर जाके देखते हैं कितने दूर में नदी है। यहाँ पे मोर दिख रहा है, अभी मैं जूम करके दिखाता हूँ गाइस। वो है मयूर, मयूर 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 को पीकॉक नेशनल पार्क के अंदर। ये था मानस नेशनल पार्क के आसपास के कुछ नजरिया। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे।
तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।